हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी की किचन में आप सबका स्वागत है। आज मेरी रेसिपी है पाटी सप्ता। आप लोगों को मैं पाटी सप्ता बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है राइस पाउडर। इसको अच्छे से मैंने पाउडर निकाल लिया है और 2 घंटे मैंने इसको भिगो के रखे थे। और किसी भी नॉर्मल राइस है ये, इससे बन जाता है। इसको मैंने धो के अच्छे से 2 घंटे के लिए रख दिया था, उसके बाद पाउडर निकाल लिया है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते। पहले तो मैं एक बर्तन ले लेती हूँ और इसमें ले लूंगी मैं एक ग्लास ले लेती हूँ स्टील का। इसमें मैं राइस पाउडर डालूंगी। एक ग्लास करना है हमको और इसको डाल दिया है। और डालूंगी मैं आधी गिलास। अभी राइस पाउडर डाल दिया, अभी मैं इसमें डालूंगी आधे गिलास मैदा। इसको डाल दिया है और अभी थोड़ा सा नमक और शुगर। मैंने शुगर बड़ी चम्मच से 3 चम्मच डाला है। अभी इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अभी हल्का हल्का पानी डालूंगी इसमें और डाल के इसको मिक्स करूंगी। ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे यहाँ दूध भी डालना है, इसीलिए। इसको मैंने अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लिया ऐसा। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। दूध भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करूंगी क्योंकि ज्यादा डालने से बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको हमें बहुत पतला नहीं, बहुत खाने नहीं करना है। दूध डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने ज्यादा दूध नहीं डाला, बस इतना ही डाला है। अभी मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ी देर इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बैटर हमारा रेडी है, ये अच्छे से हो गया है। अभी इसको मैंने 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ढक्कन लगा के रख दूंगी। बैटर हमारा रख दिया है मैं 1 घंटे के लिए। अभी मैं नारियल को जो फ्राई कर लूंगी, जो पाटी सप्ता की अंडा देना है। और मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा दिया है। गैस हमारा गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। घी मैंने डाल दिया है, अभी घी गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी नारियल और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको मैंने अच्छे से नारियल को मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। मैंने 1 कप शुगर लिया है क्योंकि इसमें 1 नारियल था। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 10 मिनट इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरा नारियल अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क पाउडर। मैंने 10 रुपया का एक पाउडर मिल्क यूज किया है। आप लोग किसी भी मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और गैस धीमा कर लूंगी, हाई नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी क्रीम, फ्रेश क्रीम।
इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये हमारा रेडी है, गैस ने बंद कर दूंगी। अभी बंद करके थोड़ा सा और क्रीम ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए हमारा बेक एकदम रेडी है। नारियल इसको थोड़ी देर ठंडे होने दीजिए। मेरा बेटर रेडी है, अभी टाइम हो गया है। अभी मैं इसको, मैंने कढ़ाई से जो नारियल था इसको निकाल लिया है एक प्लेट पे। अभी एक बर्तन लेके मैं इसको मैं एक बर्तन में कलर मिलाऊंगी और रेड फूड कलर यूज कर रही हूँ मैं। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। मैं अच्छे से कलर मिक्स कर लिया। अभी मैं गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा दिया गर्म होने के लिए और मैं बाकी सप्ताह कढ़ाई पे बनाऊंगी। और कढ़ाई हमारा गर्म होने वाली है। इसमें एक कटोरी भी मैं ले लिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और लिया है एक कपड़े और इससे मैं कढ़ाई पे गरम होने के बाद इसको अच्छे से ऐसे फैला लेंगे। और अभी पहले मैं व्हाइट बना लेती हूँ। अच्छे से ऐसे फैला देती हूँ और अभी इसमें मैं ऐड करूंगी जो नारियल। अच्छे से इसकी मदद से अच्छे से उठा लूंगी। ऐसे देखिए कितनी अच्छे से साइड से अच्छी तरह से हो गया है। अभी इसको ऐसे फोल्ड कर लूंगी। थोड़ा सा ऐसे करके इसको हाथ से अच्छे से इसको मिला लिया है। अभी ये रेडी है, इसको उठा लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैं और आप लोगों को व्हाइट एक बना के दिखाऊंगी। उसके बाद मैं जो कलर मिलाया था वो बनाऊंगी। पहले तो ऑयल को अच्छे से दे दिया है। अपने इसको चला दूंगी इसे ऐसे। अभी मैं इसमें नारियल दे देती हूँ। और इसको खा देती हूँ।
देखिए कितनी अच्छे से हो गया है। अभी हाथ से इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। तो ऐसे लाके हाथ से मैं फोल्ड कर दिया। आप लोग चाहे तो इसको तेवा भी बना सकते हैं, बट मेरा तेवा अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने कढ़ाई पे बनाया। तेवा पे बनाने से इसको उठाना आसान होती है, इसीलिए हो गया है। अभी मैं जो कलर है उसको बना के दिखाऊंगी। इसको भी मैं ऐसे डाल के जैसे ऐसे फैला दूंगी। अभी इसको अच्छे से डाल देती हूँ, ला के इसको भी अच्छे से साइड से उठा लूंगी और कपड़े को थोड़ा सा नीचे करके इसको मैं अच्छे से उठा लूंगी। देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। ये भी हमारा रेडी है, अब इसको भी अच्छे से उठा लिया है। आप लोगों को मैं और एक बना के दिखाऊंगी। ऑयल लगा लेती हूँ और आप लोग धीमा रखिए, ज्यादा नहीं तो जल जाएगा ये। जैसे थोड़ा सा बॉईल होने देती हूँ, उसके बाद नारियल देंगी। हो गया है, अभी इसको सारे हाथों से, अच्छा है तो हाथों से भी दे सकती है, पर मैं समझ से ही किया और ये अच्छी तरह से हो ही गया। और इसको भी मैं हाथ से उठा सकती हूँ, इसीलिए उठा रही हूँ। आप लोग अगर नहीं उठा सकते तो उठाए। हो गया है, इसी तरह से मैं हर साथी सप्ताह को बना लूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरी पार्टी सप्ताह की रेसिपी हो गई है। देखिए कितना अच्छा बना है और रेड कलर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग अगर ऐसे पट्टी सप्ताह नहीं बनाए तो एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो ये बंगाली डिश है और मैं भी पहले 2-3 बार बनाई, अभी फिर से बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर किया। आज अगर आप लोगों को पट्टी सप्ताह की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा। और जो नया मेरे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से एक नई रेसिपी आप लोगों के पास लेके आऊंगी। सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए, आसपास हमेशा सबको खुश रहिए। ओके, बाय बाय।